क्या आपने कभी हवा में धान पैदा होते हुए देखा है? चौंकिए मत, ऐसा ही हुआ है, और वह भी 10-20-50 कुंटल नहीं, लाखों कुंटल धान हवा में पैदा हो गया है। दरअसल जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए हथियार बनाने में जुटी हुई थी, उसी दौरान गोरखपुर के कुछ अफसर अपने खास सहयोगियों के साथ मिलकर 18-18 घंटे कड़ी मेहनत कर रहे थे, और इसी मेहनत ने हवा में लाखों कुंटल धान पैदा कर दिया। फिलहाल बिना जमीन और बिना किसान के कैसे हवा में धान पैदा किया जा सकता है और इसे आसानी से सरकार को भी बेचा जा सकता है, इसे जानने के लिए हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। यह गोरखपुर जिले का खुटहन खास गांव है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस गांव के रहने वाले अजय जायसवाल 6 जनवरी को 100 कुंटल धान उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन UPCU के भटहट क्रय केंद्र पर बेचते हैं। अजय जायसवाल ने बतौर किसान यूपी सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान जो जमीन दर्शाया है उसका खाता संख्या 00612 है, यानी कि अजय ने इसी जमीन पर 100 कुंटल धान पैदा करके सरकार को बेचा है। जबकि इसी जमीन पर एक और किसान शर्मिला ने भी 137 कुंटल धान सरकार को बेचा है। सरकारी आंकड़े चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि खाता संख्या 00612 वाले जमीन पर अजय और शर्मिला ने मिलकर करीब 237 कुंटल धान पैदा किया और सरकार को बेच दिया। खबर अब तक की टीम ने जब अजय और शर्मिला की तलाश शुरू की तो पता चला कि जिस जमीन का जिक्र करके इन दोनों ने सरकार को 237 कुंटल धान बेचा है, दरअसल राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वह जमीन तो किसी और के नाम दर्ज है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जमीन का कुल रकबा आधा बीघा से भी कम है, जबकि 237 कुंटल धान पैदा करने के लिए करीब 17 बीघा से भी ज्यादा जमीन चाहिए। खबर अब तक के पास जो दस्तावेज मौजूद हैं उसके मुताबिक खुटहन खास गांव के अजय, राम प्रकाश, राजेश वर्मा, मंजू देवी, गणेश, खेदन, अवनीश कुमार, मनीष, रवि वर्मा, कबूतरा देवी, अभय कुमार, नीरज गुप्ता, उषा मीरा जैसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने अपना हजारों कुंटल धान UPCU के भटहट क्रय केंद्र पर बेचा है। इन किसानों द्वारा पंजीकरण के समय जो जमीन दिखाया गया है राजस्व रिकॉर्ड में, उसमें से ज्यादातर जमीनें किसी और के नाम दर्ज है। अच्छा अच्छा आप तो आप लोन के मतलब धान बिकल है का सरकारी सेंटर पर? नहीं तो धान ना बिकल देख कितना आप लोगों का धान होता होगा। हाँ कहाँ के लेकिन उसमें कहाँ बेचल? नहीं सरकारी में कभी नहीं बिकता। छह भाई दो भाई मर गए ना, अब चार जने बांट बताए दो बीघा में केना केना हिस्सा आई। दो बीघा में चार लोग हैं तभी बताई केना आई केना खाई। नहीं सही बात है, तीन बीघा रही एक अकेले पड़ते ही नंबर। अच्छा। आप तो सब अपना जमीन हाँ सब
का नाम है आपके परिवार में खेदन नाइन के नाम बा खानदान में अगल बगल खेदू नाम बा खेदन नाइन बा। अच्छा तो खेदन बेचे हैं खेदन बेचे नाइन बा हमारे परिवार में खेदन बेचे माने खेदू के जगह पे खेदन बेचे हैं। तीसर साल 40 साल हो गए हमके आइले हमरे होश में ना है। कितना धान होत होई आपके घर तब भी मतलब आपके खेतवा में कितना हो जाते कै कुंटल? अरे मां जी आजा धान बहुत से 10 क्विंटल हो जाए। 10 क्विंटल ज्यादा ज्यादा 10 क्विंटल 10 क्विंटल कहां हो पावत समझो ले आधा में 10 क्विंटल कैसे ढाई बढ़िया सोए 10 क्विंटल धान हो जाए ज्यादा ज्यादा मतलब खाए भर के आपके हो जाला। अरे मनो का खाऊ भर के ना यो बाबू खेत न बोवल 10 क्विंटल ज्यादा ना हो पावला ओइसे मिला जुला बाबू खेत में दिया ना बोवल जा त मन के खाऊ भर के ना हो पाई होनी। अब जिम्मेदार अधिकारियों को सामने आकर बताना चाहिए कि कैसे इन फर्जी किसानों ने गलत दस्तावेजों के सहारे अपना रजिस्ट्रेशन कराया और फिर किसके इशारे पर इनका सत्यापन करके धान खरीदा गया तथा कैसे इस फर्जी खरीद का भुगतान किया गया।